Hello everyone, welcome to our second episode of Life Talk by Spiritual Guy. I'm your host Shreya Vyas. I'm a counselor and hypnotherapist and working with iJazz as a psychology intern. Today we have with us Sri Yogesh Bua Ramdasi, and he is going to share his experience with the philosophy of Advaitwad of Samarth Ramdas. Before we begin, I would like everyone who is watching us, feel free to ask any question in the comment section and we will surely answer them. You can also start a watch party on Facebook so that your friends and family also take a benefit from this. One line for the organization that we iJazz focuses on helping psychologists, coaches and trainers developing advanced and therapeutic skills. Let me give you all a brief introduction about Yogesh Ji. It gives me immense pleasure to introduce Yogesh Ji. Yogesh Bua Ramdasi is devoted to Sri Samarth Ramdasa Swami Maharaj and has been serving his seva at the Sajjan Gharh Satara since 1997. Yogesh Bua has acquired BCom MSc in Sociology and MBA Human and Resources degree as a part of his academic achievements. Currently, he is performing the role of secretary at Sri Samarth Seva Mandal, Sajjan Gharh. Yogesh Bua has studied and practiced Advaita Vedanta. He also addresses people to spread the awareness and enlighten the humankind. On a frequent basis, Guruji has also invited Sri Yogesh Bau Ramdasi to Singapore, Dubai and Switzerland. Along with this, he is also Master Sri Adi Sankaracharya and Sri Samarth Ramdas Swami literature like Srimad Dashboard, Sri Manobodh and Sri Atmanirman and Vivek Chudamani, etc. So, इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है. नमस्ते. तो आगे बढ़ने से पहले हम इस श्रृंखला का पर्पस भी शेयर करना चाहेंगे कि जैसे कि हम देखते हैं आज के युग में स्पिरिचुअल ग्रुप बहुत ही एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो या तो फिर कभी कभी हम इमोशनल लेवल पे जो इशू फेस करते हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रुप का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है. बट हैविंग सेड दैट, दे आर नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ विजिटिंग अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर. तो आज के लिए जो श्रृंखला है उसका दो पर्पस है. एक तो ये जो हमारी शेयरिंग है, डिस्कशन है, उससे ऑडियंस ये भी जान सकती है कि कौन सी मेडिटेशन प्रैक्टिस हम फॉलो कर सकते हैं, और दूसरा कि एज ए स्पिरिचुअल लीडर मेंटल हेल्थ के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है. तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम श्री योगेश जी. नमस्ते. नमस्ते. यस. तो योगेश जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में. सो कैन यू शो some light on how you get introduced to the spiritual group or aapki kuch yatra ke bare mein. ji mera pura naam hai yogesh suryakant purohit. mujhe yahan yogesh bua ramdasi ke naam se jana jata hai. jab main 17 saal ka tha tab 12th mein tha, aur wahin se maine decision le liya ki mujhe sajjangad pe jana hai. actually hua aise ki समर्थ रामदास स्वामी जी की चरण पादुकाएं दौरा करती है, उसे दौरा कहते हैं. तो उसे प्रचार दौरा कहते हैं. सो उस दौरे में डोंबिवली, जहां से मैं हूं, तो बम्बई के डोंबिवली शहर जो है वहां पर आया हुआ था. तो उस वक्त मेरी पहचान हो गई मारुति बाबा रामदासी, जो यहां के प्रमुख थे. उनसे मुलाकात हो गई और फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक कैंप रहता है था उस वक्त. सो मैं 1995 में यहाँ कैंप के लिए आया था और लगभग एक वन मंथ के लिए वो कैंप था. तो उस कैंप के बाद मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगा और मैंने ठान ली कि बस मुझे यहीं पे आना है. सो उसका थोड़ा सा उसे भी और थोड़ा पीछे जाएं तो हमारे घर में ये संस्कार थे, यानी कि मेरे दादा दादाजी दादाजी और माँ बाप सभी लोग इसी फील्ड से थे. यानी कि मुझे यह है, मेरी दादी जी कहती थी, जब मेरे पिताजी बहुत छोटे थे, लगभग 4-5 साल के थे, तब हमारे ही घर में एक भिड़े महाराज करके एक अवलिया संत रहा करते थे. वो हमारे घर के अंदर नहीं आते थे,
लेकिन आंगन कहते हैं ना उसे, तो आंगन में ही रहा रहते थे। तो हमारे यहाँ परंपरा ही ऐसे है कि बस संतों का आशीर्वाद है। और जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो मेरी माँ दासबोध पढ़ा करती थी, और जब मैं सोता था तो मैं उस दासबोध सुनते सुनते ही सोया करता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो माँ ने कैसेट लाई थी मना से श्लोक, आप शायद सुनी होंगी, मनोबोध के उसका नाम है, बहुत ही पॉपुलर है। तो वो 90 मिनट्स की थी, तो मैं उठता था तो वो कैसेट ऑन कर देती थी, और मेरा पूरा का पूरा तैयार होने तक वो 90 मिनट्स चले जाते थे। उस वक्त मैं उठने के बाद घर से बाहर क्लास के लिए जाऊं, उस वक्त तक वो 90 मिनट्स बराबर होते थे, और मैं बस वो मना के मन से श्लोक ही सुना करता था। तो व्हाट वी कैन से इन नटशेल, संस्कार। तो ये संस्कार एक बहुत बड़ी चीज है, तो वो मन पे ही किए जाते हैं। आप साइकियाट्रिस्ट हैं तो आपको पता होगा, हमारे यहाँ एक कहावत है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। आप जिस प्रकार के संस्कार देते हैं बच्चों को, उसी परवरिश करते हैं उनकी, जिस प्रकार से, तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट देती है फॉर लाइफ टाइम। तो बस उन्हीं की दुआ है। और मेरी माँ भी बहुत स्पिरिचुअल है। एक्चुअली मुझे अभी गाइडेंस मेरे माँ से ही मिल रहा है, मारुति बुआ रामदास जी, जो हाल ही 19 अक्टूबर 9, 2019 में उन्होंने अपना ये पार्थिव देह छोड़ दिया, तो उनसे मिली। और बाकी सब गाइडेंस मेरी माँ ही करती है। तो शी इज़ वेल लर्न इन मेनी टॉपिक्स, राइट, इन वेदांत इवन। और हमारे, यानी कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, माँ के पिताजी, वो संस्कृत पाठशाला में ही पढ़े हुए थे। तो हमारे यहाँ गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इन सब की चर्चा हुआ करती थी। और मेरे पिताजी जो थे, तो वहां पर वो अवलिया संत थे। तो हमारे यहाँ अक्सर सब स्पिरिचुअलिटी का माहौल हर वक्त रहता ही था। बस उसी में बड़ा हो गया। तो मेरा कुछ है नहीं, बस मेरे माँ बाप की देन है, और समर्थ रामदास स्वामी, जो मैं जिनको गुरु मानता हूँ, पीछे जो मेरा फोटो लगा हुआ है वो, तो बस उनकी कृपा है, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। इट सीम्स वेरी लकी कि पूरा घर का एनवायरनमेंट ही स्पिरिचुअल होने के कारण बहुत इजी हो जाती है स्पिरिचुअल जर्नी। बराबर। हम लाइव है तो गुरुजी हम चाहते हैं कि आप हम सबको नमस्ते कर सकते हैं। वी हैव विद अस सोनाली, संजना। हाय संजना, हाय मिसबा। अच्छा, सबको नमस्ते मेरा। तो गुरुजी, तो बिल्ड अप दिस क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि आपके लिए बहुत इजी था कि घर पे ही एनवायरनमेंट ऐसा था, बट जैसे कि कब आपने डिसाइड कर लिया, मतलब कहते हैं ना वो एक क्लैरिटी आ जाना, तो कौन से ऐसे मोमेंट्स थी जहाँ पे एक क्लैरिटी आ गई कि नाउ मतलब अभी ये पाथ नहीं, मुझे ये पाथ पे ही पूरा चलना है, एंड यही जैसे पाथ बताया है। आपको, यस यस कंटिन्यू सर। जब मैं यहाँ पर एक 1 मंथ के कैंप के लिए आया था, वैसे हमारे घर में स्पिरिचुअलिटी थी ही, जब मैं 1 मंथ का कैंप था यहाँ पे 1995 में, तो जब मैं यहाँ आ गया तो मुझे यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा। और बस वो बीज तो था ही, उसे राइट फर्टिलाइजर और एनवायरनमेंट मिल गया तो वो स्प्राउट हो गया। सो मुझे लगा कि बस यही मुझे करना है, और यही यही मुझे आना है, और यहाँ का माहौल मुझे बहुत ही पसंद आ गया। वैसे जब मैं बच्चा था तभी से तो मैं सब ये सुना करता था, पर जब मैं यहाँ आया तो जो मैंने आज तक सुना है उसे देखने का, उसे महसूस करने का मुझे अवसर मिल गया। तो बस उसी की कृपा हो गई समझ लो। और मैंने ठान ली, जब मैं यहाँ पर आ गया था तब ठान ली कि मैं अब यहीं पे मुझे आना है। तो मैं घर में वापस जाने के बाद माँ को बता दिया कि मैं आगे कुछ और पढ़ना नहीं चाहता, तो मैं यहीं पर रहूंगा, सज्जनगढ़ पे ही जाने वाला हूँ। तो मारुति बुआ रामदास जी, जो उनके पास हमने फिर करस्पॉन्डेंस किया, और वो हाँ कर गए तो अच्छा हो गया। फिर एक्चुअली मैं यहाँ आया, और आने के बाद ऐसा हो गया कि मेरी पढ़ाई कुछ थी नहीं, यू नो, नॉलेज और द डिग्री, टू बी प्रिसाइज, नॉलेज तो मिल जाता है पर डिग्री का इफेक्ट बहुत कर देता है। जैसे आपने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि मैं बीकॉम हूँ, एमए हूँ, एमबीए किया हूँ, यू नो, एक्चुअली दिस हैपेंस बिकॉज लोग तभी सुनते हैं आपको। ये एक मेंटेलिटी बन चुकी है इंडियंस की, वो क्या कह रहा है उससे ज्यादा वो कौन है जो कह रहा है, उस पे बहुत लोग
क्या कहते हैं उसे, प्रेशराइज हो जाते हैं लोग। तो बस उसी के लिए मैंने एक 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 कर दिया। जैसे मुझे यहाँ का ट्रेजरर कर दिया, तो माँ बोली, माँ यहीं पर थी मेरी, तो माँ बोली अरे तुझे ट्रेजरर तो कर दिया पर तुझे अकाउंटिंग का क्या आता है। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम। Meanwhile, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं सो दैट वी विल गेट अ डिटेल्ड नॉलेज ऑफ अद्वैत वेदांतम। यस हाय किरण, हाय दुर्गा, नो प्रॉब्लम। सो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर ट्रेजर करे तो माँ ने बोला तुझे अकाउंटिंग का क्या आता है, तो फिर माँ ने ही मुझे बीकॉम करने को बोल दिया। मैंने बीकॉम कर ली बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, फिर मैनेजमेंट में ले लिया। तो मैंने सोचा एमबीए क्या चीज़ है वो देख लेते, बहुत सारे लोग एमबीए एमबीए कहते हैं। सो व्हाट इज एमबीए, सो उसे समझने के लिए मैंने सोचा एचआर ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है और हर वक्त हम सोसाइटी में रहते हैं। सो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी and human resource, they are much related topics actually. So वो सब मैंने कर दिया और उसी वक्त तो मैंने ठान ली थी, तो मैं यहाँ आ गया और यहाँ पर ये भी स्टडीज कर दी। और आपको शायद मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उसी उसी हिसाब से माँ ने मुझे बाजू में बिठा के इन सब नोट्स निकाल के मुझे पढ़ाया है, बीकॉम हो एमबीए हो। सो तो ज़्यादा माँ का स्टडी ज़्यादा हो गया उसमें मेरी माँ। सो एक्चुअली मेरी माँ भी बीएससी है, बीकॉम है, एलएलबी है, और वो कुछ बैंकिंग के सीएआई भी कुछ कहते हैं उस वक्त तो जो था वो भी उसके भी एग्जाम्स दे चुकी हैं। अमेजिंग। तो बस एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि इन स्टडीज से क्लियरिटी बहुत आ जाती है, हमारी वे ऑफ थिंकिंग बदल जाती है। ये स्टडीज कुछ ऐसे ही नहीं है बनाए, जो टॉपिक्स है जो करिकुलम सेटअप किया रहता है, जैसे आप साइकियाट्रिक्स हो तो आपको साइकोलॉजी का क्लियरिटी मिल जाती है, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है। मैं कुछ समझ लूं, समझ पा जाऊंगा, लेकिन आप जैसे समझ जाते हैं, जो स्पेशली साइकियाट्रिक्स डॉक्टर रहते हैं वो जिस तरह से इजी समझ जाते हैं, वैसी तो समझ आने में बस वो डिग्री काम देती है। ये बात भी सही है। Wonderful, wonderful. डॉक्टर नहीं, साइकेट्रिस्ट नहीं है। आई होप आई ओके ओके फाइन फाइन यस बट यस आपने सही बताया, जैसे ये जो नॉलेज है साइकोलॉजी की और स्पिरिचुअलिटी की, अगर ये दोनों नॉलेज को अगर हम कंबाइन करें तो आई थिंक हम एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। और हमारी जो फील्ड है जैसे कि स्पिरिचुअल ग्रुप की और मेंटल हेल्थ सर्विस की, अगर देखा जाए तो उनका पर्पस काफी सिमिलर है। And I think दोनों हम काम साथ में करके I think we can bring a huge transformation in society. Yeah, sure, sure. बिल्कुल सही है। MCL की तरह है ये। MCL दो चीजें रहती हैं। MCL में आपको पता होगा, वो दोनों गोले एक साथ मलने रहते हैं, तभी वो एक्चुअल जो MCL लगाना पड़ता है वो उससे बन जाता है। ये वैसे ही स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजी गो हैंड इन हैंड, राइट? Yes, yes. So और एक हमारा प्रश्न है कि जैसे कि आपने बताया कि अद्वैतवाद फिलोसफी के बारे में, तो हम थोड़ा उसके बारे में डिटेल जानना चाहेंगे, मतलब थोड़ा एसेंस में ये फिलोसफी के बारे में, अद्वैतवाद फिलोसफी और उसके कोर प्रिंसिपल के बारे में जो आप फॉलो करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बुक्स इस पर हैं और बहुत सारे बड़े बड़े वो क्या कहते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो इस पर बात करते हैं। और ये एक हमारे हमारे देश को मिली हुई बहुत बड़ी धरोहर है। सो जब हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं तो वो हम ऐसे मोड में चले जाते हैं, एक बाबाजी टाइप मोड में चले जाते हैं। इट इज़ नॉट दैट वे एक्चुअली। फिलोसॉफी, हर एक आदमी की अपनी एक फिलोसॉफी रहती है। सो एक सोच रहती है उसकी, व्हाट इज फिलोसॉफी डिफरेंट वे, वो एक सोच रहती है। तो शंकराचार्य जी जो है अद्वैत वेदांतवादी जो है, तो उनसे उनके पहले से ये फिलोसॉफी थी ही, बस उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से उजागर कर दिया, हम ये कह सकते हैं। तो हम अभी सब फॉलो करते हैं जो अद्वैत वेदांत है, वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा, ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। जो ब्रह्म है वो एकमेव सत्य है और बाकी सब जो जिसे माया कहते हैं वो असत्य या मिथ्या है।
मिथ्या यानी जो दिखती है पर जो है नहीं, जस्ट लाइक ड्रीम्स. ड्रीम्स तो हमें दिखते हैं बट दे आर नॉन टेंजिबल, सो उसे हम हाथ में नहीं लगा सकते, वो सच में नहीं होते हैं, सो उसे मिथ्या कहते हैं. सो ये बता दिया गया है कि शंकराचार्य जी ने कि हम जो मैं हूँ, जिसे अगर मैं आंख बंद करके बस बैठ जाऊं तो मुझे एक अंदर से एक वृत्ति आती है, इसे आई फील माई सेल्फ दैट आई एम दिस. आई एम जो है ना, ये जो मैं है ये एक्चुअल में ब्रह्म है, और बाकी जो भास हो रहा है वो सब मिथ्या है, झूठा है. पर वो इतना हुआ है, जस्ट वी आर इन हेलुसिनेशन. वो परफेक्ट वर्ड तो है नहीं, पर समझ जाने के लिए बता रहा हूं. अगर कोई हेलुसिनेशन में होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा? वो अपने ही वर्ल्ड में बिहेव करता है ना? तो उसे आप कुछ भी बताने जाओ, वो सच नहीं मानता. जो सच है वो नहीं मानता, और जो वो सच मानता है वो सच होता नहीं. उसे कह सकते हैं हेलुसिनेशन. सो संतों ने इसी को उजागर किया है. सो क्या है, मैं जिसे सच मान रहा हूं वो एक्चुअल में सच है नहीं, बस मुझे आवश्यकता है मेरे ड्रीम्स से बाहर आने की. जब तक मैं ड्रीम्स में हूं, सच मान लो, कितना भी आप चिल्लाओ यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू दैट पर्सन, क्योंकि मुझे तब तक ड्रीम्स ही सच लग रहे हैं. द वेरी सेकंड आई वेक अप, जब मैं उड़ जाता हूं, द ड्रीम वैनिशेस. तब कितना भी मुझे समझाओ कि वो ही सच है, तो मैं कहूंगा अरे नहीं भाई, वो तो ड्रीम ही है, वो सच नहीं है. पर मुझे जाग जाने की आवश्यकता है. आई एम जस्ट नाउ ड्रीमिंग. सो दिस इज द ड्रीमिंग स्टेट. ये अद्वैत वेदांत है कि व्हाट आई एम राइट नाउ फीलिंग इज अ ड्रीम, एंड वी हैव टू वेक अप फ्रॉम दैट ड्रीम. जब तक मैं उससे बाहर नहीं आता तब तक मुझे ये ड्रीम ही सच लगता है. इतना सच लगता है कि अगर मैं किसी ऐरे गहरे आदमी को, अगर ये जो मैंने आपसे बात की वो अगर मैं उसे समझाने लगूं, तो वो कहेगा अरे इसे तो मेंटल हॉस्पिटल में भेज दो भाई, ये क्या कह रहा है. सो दिस इज हाउ इट एक्ट्स. और समर्थ रामदास स्वामी इसे कहते हैं कि अरे जे झालीच नाही त्याची वार्ता उससी काही, तथापि सांगो जेणे काही संशय नुरी. तो इसका अर्थ ऐसा होता है, जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में तुम पूछ रहे हो. मानो मैं जाग जाऊं और मैं पूछ लो कि गुरुजी मेरे ड्रीम्स में मैंने ये सब कुछ संपत्ति पाई थी, तो वो कहेंगे अरे बेटा वो तो ड्रीम्स की संपत्ति थी, वो तो तेरे पास आने वाली नहीं है. लेकिन फिर भी तथापि सांगो जेणे का ही संशय नुरे, उस आधे का हिस्से का भाग समर्थ कहते हैं, फिर भी तेरी तसल्ली होने के लिए मैं अब तुझे ये समझाने वाला हूं, संपत्ति के बारे में नहीं बल्कि संपत्ति किस प्रकार झूठी है, वो ड्रीम कैसे है, उसके बारे में मैं तुझे समझा दे सकता हूं. ये बेसिक है, इसे कहते हैं अद्वैत वेदांत. इसके बारे में बहुत कुछ बात कर सकता हूं, पर इतना काफी है समझने के लिए, क्योंकि अगर इसके बारे में अगर और डेप्थ में चला जाऊं तो टर्म्स सबको पता नहीं होंगे, और फिर सारे के सारे टर्म्स समझा कर कुछ बिगड़ जाएगा. तो इतना 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 ठीक रहेगा मेरे ख्याल से. करेक्ट. और आपने बहुत अच्छे से एग्जांपल भी दिया, जैसे ड्रीम, तो ये फिलॉसफी समझने में भी बहुत आसानी होगी कि जैसे हम ड्रीम देखते हैं वो ड्रीम सच नहीं होते हैं. तो वैसे ही ये है. बट स्वामी जी, अगर यहाँ पे अगर इस थियोरी को अगर हमें मेडिटेशन से लिंक करना है, तो जैसे कि अगर ये फिलॉसफी है, इसको हम ध्यान से कैसे लिंक कर सकते हैं? क्योंकि आजकल लोग ध्यान में काफी इंटरेस्टेड होते हैं कि कैसे मेडिटेशन करना है, तो एग्जैक्ट मेडिटेशन में इसका कैसे हम फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो अब जब मैं मेडिटेशन ये शब्द बोल देता हूँ, तो अब क्या आपके सामने, दिमाग के सामने कुछ पिक्चर आ जाता होगा? यू नो, somebody is sitting with folded hands and folded legs and sitting quietly. That is what meditation is. Okay. But ध्यान is something different definition. Okay. ध्यान उस चीज को कहते हैं जो मेरे ध्यान से कभी जाता ही नहीं, उसे एक्चुअल ध्यान कहते हैं. अरे तेरा ध्यान हट रहा है, हम बोलते हैं ना. सो दैट इज आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग विच आई वॉन्ट टू. अब व्हाट इज ध्यान,
जो हमारे स्क्रिप्चर्स में ध्यान बता दिया गया है वो एकतानता, यानी कि जिस एक वृत्ति को आप चाहते हैं उसी को आप स्थिर करना, उसे कहते हैं ध्यान। और अब जो मेडिटेशन सिखाया जाता है उसमें वो ध्यान सिखाया जाता है। सो मेडिटेशन इज समथिंग विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड। सो ये एक प्रोसीजर है, दिस इज वन ऑफ द प्रोसीजर, बाय सिटिंग क्वाइटली। इट स्टार्ट्स विद सिटिंग क्वाइटली, दैट्स ट्रू एंड दैट्स परफेक्ट एंड दैट्स एसेंशियल। दीज थ्री थिंग्स आर मस्ट, इट्स ट्रू, बट दिस इज नॉट द वे दैट मेडिटेशन कैन बी कंटिन्यूड। द हायर स्टेज ऑफ मेडिटेशन इज व्हेन यू डोंट हैव टू मेडिटेट, यू मेडिटेट ऑलवेज थ्रू आउट योर लाइफ स्टाइल। दैट इज व्हाट वी वॉन्ट टू अचीव, उसे कहते हैं ध्यान। यानी कि जब अगर मैं समझ लो मैं अब मेडिटेशन करता हूं तो कोई लोग प्रणव कहते हैं, यानी कि ओमकार पे कंसंट्रेट करना चाहेंगे, या फिर कोई लोग मूर्ति का ध्यान करेंगे, या कोई लोग किसी राम कृष्ण या जो कुछ अपने डेइटी है उनके बारे में ध्यान करेंगे, या कोई लोग सिर्फ अपने प्राणायाम पे ध्यान करेंगे, या फिर कोई लोग स्वस्थ बैठ के स्थिर बैठ के अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, ये जो मैं उठ रहा हूं ये कौन है, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स। इसमें से कोई भी मैं एक चुन लू, समझ लो मैं अभी एक मैं जब मेडिटेट करना चाहता हूं तो मेरा आराध्य दैवत है राम, तो मैं राम को ध्यान में ला देता हूं। सो एक्चुअल ध्यान वो चीज होती है, मैं कुछ भी कर लू मेरे दिमाग से राम जाए ही ना, दैट इज वॉट मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन कल्मिनेट लास्ट पॉइंट में कहा जाता है, तो मैं जो हूं उसमें वो सबमर्ज हो जाता है, मेरी जो वृत्ति उठती है, यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट वी कैन से वृत्तिज, सो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स है, मेरा मन क्या चीज है, डिफरेंट थॉट फ्लो, व्हाट इज माइंड थॉट फ्लो, आप नदी कहते हैं जिसे, बहती हुई नदी। सो आप मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या उसमें आप एक कोई ड्रॉपलेट ऐसा दिखाए जो नदी है, नहीं, आप जैसे ही उसमें का कोई ड्रॉपलेट निकाल लेंगे इट विल बिकम अ ड्रॉपलेट एंड नॉट अ रिवर, राइट। जब आप ड्रॉपलेट वापस उसमें भेज देते हैं तो वो वापस नदी बन जाता है, ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट उसमें से वो एक कॉन्स्टेंट फ्लो है, ओके, जो स्टैगनेंट हो जाता है तो उसे कहते हैं लेक, वो नदी नहीं रह जाता, वो लेक में बदल जाता है। सो द फ्लो इज नदी एंड कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। और मैं जब ध्यान करता हूं तब मेरे थॉट्स को मैं पूरी तरह से छांट देता हूं, मानो निकाल देता हूं और एक ही थॉट को रखता हूं, वो समझो मेरे लिए आराध्य दैवत राम है, तो मैं एक ही थॉट को रखना, उसे कहते हैं ध्यान। और जैसे ही मेरा यह ध्यान दृढ़ हो जाता है, समझो मानो मैंने एक राम का उदाहरण ले लिया, अगर कोई मैं अपने आप को ढूंढना चाहता है तो मैं स्वस्थ बैठता हूं और मैं कौन हूं, मैं जो मैं ये उठ रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूं, दोनों ही चीजें अल्टीमेटली सबलाइम हो जाती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। बस उसमें एक बहुत बड़ी एक गड्ढा है, एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसे, एक दरी है, उसे कहते हैं नींद, शून्य, जीरो। बहुत सारे लोग जीरो में चले जाते हैं ध्यान में बैठने के बाद, उन्हें अच्छा तो लगता है क्योंकि वो जीरो में चले जाते हैं। देखिए ऐसा है कि जब मेरी सारी वृत्तियां शांत हो जाएंगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा। अब कोई आदमी समझो एक गाड़ी लेनी है उसे, और उसे बहुत सारे प्रेशर है गाड़ी किस तरह ले जाए, वो बहुत कुछ करता है, लोन निकालता है, ये गाड़ी देखता है, वो गाड़ी देखता है, द मोमेंट ही परचेसेस साइंस द एग्रीमेंट एंड ही रिसीव्स द की, उसकी अवस्था हो जाती है ही बिकम्स। सो इसे कहते हैं बहुत सुख। और जब वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी ऑन करके निकलता है तो वो सुख चला जाता है और वो समाधान की स्टेट में आ जाता है। यानी कि कोई वृत्ति वहां जो मुझे
परेशान कर रही है वो खत्म हो जाती है। मुझे गाड़ी लेनी है, ये जो बहुत बड़ी अर्ज है। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैडम? हेलो, हेलो, यस, एम आई ऑडिबल? यस योगेश, मेरी आवाज आ रही है? तो हाँ आ रही है मैडम। हाँ तो जी, उसे रितिक को कहते सर, हैं समाधान। हाँ जी, रितिक को आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं? हम आगे बढ़े उसके पहले, रितिक को जिसकी हम बात कर रहे हैं। वृत्ति, हाँ हाँ जी, वृत्ति बताने जाए तो अ सिंगल थॉट। थॉट फ्लो इज माइंड। तो वो शांत हो जाती है, माय थॉट, वो जो मुझे ट्रबल दे रहा है, एक्चुअली थॉट्स मेरा ट्रबल दे रहता है मुझे कि मुझे गाड़ी लेनी है, वो शांत हो जाता है। दैट वो जो समाधान मिलता है, वो थॉट बस सबलाइम हो जाता है, पूरा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड समाधान। और वो ही एक्चुअल स्टेट रहती है हमारे ध्यान में। हम सभी थॉट्स को सबलाइम कर देते हैं अपने आप में, तो भी हम समाधान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसीलिए ध्यान इज मस्ट। अगर ध्यान का कोई बोलेगा हमें ये जो थॉट है, ये जो स्टेट है, उससे ज्यादा मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं घर के, मुझे बहुत सारा कुछ कमाना है, मुझे बहुत कुछ पाना है, तो उसके लिए इसका क्या यूज हो सकता है ध्यान का? तो ये तो क्वेश्चन है, सीधा है। देखिए ऐसा है कि मुझे इससे क्या मिलेगा? हाँ, मुझे इससे कुछ मिल रहा है तभी मैं कुछ करता हूं, इट्स नेचुरल थिंग। तो मुझे टेंजिबल चीजों में, यानी कि वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स में मुझे कुछ मिल रहा है तभी मैं स्पिरिचुअलिटी ट्राई करता हूं। पर सच कहूं तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम पाना चाहते हैं, उसके पीछे बस स्पिरिचुअलिटी ही रहती है। हम वही समाधान पाने की हम चाह रहती है, वी अर्ज फॉर दैट व्हाट वी सेटिस्फैक्शन एक्चुअली, बट वी ट्राई टू गेन इट इन अ डिफरेंट वे। पर ठीक है, कोई हर्ज नहीं, दिस इज व्हाट आवर फिलोसॉफी इज वेरी स्पेशल अबाउट। तुम वो चीज चाहो, कोई बात नहीं, तुम स्पिरिचुअलिटी के आधार से वो चीज भी कमा सकते हो। बिकॉज जब तुम ध्यान के लिए, जब तुम मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हो, यू टेंड टू कॉन्सेंट्रेट, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज मस्ट टू अचीव एनीथिंग। सो यू बिकम हैबिचुएटेड टू मेक योर माइंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ऑब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू अचीव। दिस इज वॉट यू इज मस्ट। यही तो चाहते हैं हम। अगर समझो मैं स्टडीज कर रहा हूं और मुझे स्टडी के हिसाब में, स्टडी के सब्जेक्ट में मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाया, तो मैं रट्टा मार नहीं सकता, मैं कुछ समझ नहीं सकता, दोनों चीजें मैं नहीं कर सकता। आइदर आई कांट बाय हार्ट और आई कांट अंडरस्टैंड। ओके, दोनों चीजों के लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और नावडेज की स्टडीज, यानी कि अभी जो किताबी स्टडीज है, इनको तो ये दोनों चीज मस्ट है, क्योंकि मुझे रट्टा भी मारना है, यू नो आई हैव टू बाय हार्ट एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड। सो एक्चुअल वे इज अंडरस्टैंड, यू डोंट नीड टू बाय हार्ट, बट दैट डजंट वर्क एवरी टाइम। सो तुम्हें ये करने के लिए यू नीड अ कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन करना है तो मेडिटेशन हेल्प कैसे करता है? बिकॉज इन मेडिटेशन व्हाट यू डू इज मेक योर माइंड काम। आप माइंड को, यानी कि थॉट फ्लो को शांत करने का प्रयास करते हैं, एंड यू बिकम नेचुरली साइलेंट। जब आप शांत हो जाते हैं, आप है ना, आप छोटे बच्चों को बोलते हैं, अरे थोड़ी देर तो शांत बैठा करो बेटा, ऐसे बोल देते हैं। व्हाट इज दैट? सिट क्वाइट, सिट साइलेंट। वो बैठ क्यों नहीं सकता? क्योंकि उसके मन में चालू है सब कुछ, उसका मन शांत नहीं है। द मोमेंट ही गेट्स समथिंग टू एंड, अपने माइंड को वो कुछ खिलौने की तरह मिल जाए, माइंड वो वहीं पर, तो उसकी बॉडी भी शांत बैठ जाती है, वो खिलौने के साथ खेलती है। सो दैट इज व्हाट मेडिटेशन हेल्प्स एक्चुअली, क्योंकि आपका माइंड शांत हो जाता है, और जब माइंड शांत हो, आप सब्जेक्ट को इजी तरह एक्वायर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वेरी ट्रू, और आपने बहुत ही अच्छे से इसको, थियरी को, इस प्रिंसिपल को मेडिटेशन के साथ लिंक किया।
बहुत ब्यूटीफुली आपने लिंक किया, क्योंकि फिलोसॉफी थोड़ा सुनने में थोड़े सा डिफिकल्ट लग रहा था, पर जब आपने एग्जांपल दिया और जब आपने लिंक किया तो बहुत इजी हो गया समझने में। और जैसे कि आपने एक बच्चे की बात की, तो मैं स्पेशली यूथ की बात करूंगी कि जैसे हम लोग है आज, हमारा शेड्यूल जिस हिसाब से है और जिस तरह से हम पैशनेट है, लाइक वी वॉन्ट टू अचीव एवरीथिंग, तो मतलब जो ये बेनिफिट्स आप बता रहे हो, विल दैट बेनिफिट्स वुड बी सेम, कि मतलब हम लोग की लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो इट्स लाइक दैट कि हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी होगी उस बेनिफिट को लेने के लिए, या तो आपने जो बोला जो एफर्ट्स डालनी है उसके लिए? एक्चुअली आप कहीं पर भी ये कर सकते हैं, इट इज़ अलॉन्ग विथ यू। अब आपको बता दूँ, बम्बई में ट्रेन रहता है, यू नो, सो मैं कुछ 2 साल पहले ट्रेन में बम्बई गया था। सो ट्रेन के सामने जब मैं गया तो मेरा हौसला एक्चुअली टूट चुका था, क्योंकि बहुत बरसों बाद मैं ट्रेन के सामने गया था, यू नो, वो आपको तो मालूम होगा शायद, बम्बई की ट्रेन, तो उसमें चढ़ना और उतरना दोनों चीज अपने आप में एक बहुत बड़े एक्रोबैट है, वो आप यानी कि बहुत बहुत डिफिकल्ट रहता है। फिर भी मैंने कुछ किया, बस मैं थोड़ा सा आगे, तो मेरी जो हलचल थी वो देखकर एक बूढ़ा आदमी बोला, भाई आप कुछ ना करें, सिर्फ प्लेटफॉर्म के थोड़े आगे जाइए, आप अपने आप चढ़ जाएंगे। एंड इट बिकेम ट्रू, मैं ट्रेन के अंदर चला गया। अब जैसे मुझे जल्दी जाना था तो मेरा रोज का रिचुअल जो था वो मैं कर नहीं पाया। तब मैंने क्या सोचा, ट्रेन वॉज एन आइडियल प्लेस टू फॉर मेडिटेशन, क्योंकि मैं कहीं भी हिल नहीं सकता था, आई वॉज अनेबल टू मूव अ इंच, ओके, ना ही मेरी कोई बिलोंगिंग्स यानी कि मेरी बैग है वो कहीं हिल सकती थी, ओके, सो आई एम सेफ, माय बिलोंगिंग्स आर सेफ, आई एम गोइंग टू अ प्लेस विच दिस ट्रेन इज गोइंग टू टेक मी सेफ। सो मेरे पीछे कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके लिए मैं केयर करूं, सो माइंड मेरा रिलैक्स्ड हो गया, मैं जिस हाल में था उसी हाल में मैंने अपने आंख बंद कर लिए और मेरा अपना जो रिचुअल रोज का है वो मैंने शुरू कर दिया। एंड बहुत अच्छी तरह का मैं कर पाया उस वक्त, क्योंकि आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट वॉट इज सराउंडिंग मी, क्योंकि हर एक लोग ना मुझसे कोई मेल जोल रखते थे ना मैं उनके पहचान का था। सो अगर इतने भीड़ में, तो जब मैं उतर गया आया तो मेरा एक कलीग है, वो बोला अरे तुम आग बंद करके, मैंने वो बोला कि जो मुझे करना था सुबह का वो मैंने कर दिया, तो मैंने इतने भीड़ में, मैंने बोला अरे भीड़ इज द बेस्ट प्लेस बिकॉज नोबडी इज कंसर्न विथ यू एंड नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू। सो आप एक्चुअली मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हैं, समझो हर एक जो नया बंदा है, जो अभी समझो 25-30 एज का है, वो नौकरी के लिए बाहर कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। सो व्हेन यू आर इन अ कम्यूट, सो आप उस वक्त फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इतने सारे चीजों को छोड़कर बस 5 मिनट टाइमर लगाकर आप सेट कर दें, आप तो हेडफोन तो लगाते ही होंगे सब, तो उसमें अलार्म सेट कर दें, अलार्म सेट कर देंगे 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू मेडिटेट, दैट्स ऑल, फिर आप चाहे तो बाद में जो कुछ करना है कर लें। लेकिन आप अगर ये हैबिट कर लेंगे 5 मिनट्स की, पहले 7 दिन तक आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, बट बिलीव मी 7 दिन के बाद अगर आप सही वक्त पर और सही ढंग से करते हैं फॉर ओनली 5 मिनट्स, 8वें दिन आप अगर वो 5 मिनट नहीं कर पाए तो आप बेचैन हो जाएंगे, आई कैन गारंटी इट, क्योंकि उससे जो रिलैक्सेशन मिलेगा, मैं दुखी होता हूं, मैं बहुत स्ट्रेस्ड होता हूं, मैं बहुत प्रेशर में होता हूं, ये सब कहां पे आते हैं, ये सब आते हैं मेरे माइंड में, दिस इज कॉजिंग प्रेशर pain to my mind, or meditation or to sit silent is making the mind calm. Jab ye mind calm ho jata hai, you can easily endure any type of pressure and you can successfully come out of any type of pressure. Kyunki mind has a lot of power in it. Mind mein bahut sari shakti rehti hai. I want to just disclose it. I want to just discover it. Main discover nahi karta. वो कपड़े में बंद है, मुझे वो छोड़ना है, मुझे देखना है उसमें अंदर चीज क्या है, दैट्स ऑल। तो ये जो चीज है, ये आप मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में जाएंगे, समझ लो आप ऑफिस में चले गए, आप अपने सीट पे बैठ गए, यू कैन डू इट देयर इवन, कोई हर्ज नहीं, 5 मिनट्स
ना आपका बॉस आपको बोल पूछने आने वाला है, ना दूसरे कोई कलीग्स आपको पूछने वाले हैं। यू कैन स्टार्ट विथ 2 मिनट्स। सच में कहता हूं 120 सेकंड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं जब आप सचमुच में मेडिटेट करने लगते हैं। सो आई थिंक सो ये कहीं भी कैसे भी हो सकता है, नो नीड कि आप सब छोड़ दें। Yes, तो मेरा क्वेश्चन यही था योगेश जी के बाद कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलना है तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्या इज इट लाइक कि मुझे संन्यास लेना पड़ेगा तभी मैं वो डिवाइन एक्सपीरियंस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश। श्योर एक मुझे वशिष्ठ जी की पंक्ति याद आ गई, उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को उपदेश किया हुआ है योग वशिष्ठम, तो उसमें वो बोले हैं कि अंतः त्यागी बहिस्संगी लोके विहर राघव। सो इसका मतलब होता है अंदर से छोड़ दो, बाहर से चाहे वो तुम कर लो, कोई चीज कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे कहते हैं अंतः त्यागी। समझ लो एक बहुत अच्छे ऑफिसर है और वो रिटायर्ड हो, तो आप बहुत बहुत यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भी इस तरह के देख लेंगे, रिटायर्ड होने के बाद भी उनमें उमंग आती रहती है कि मैं ऑफिस चला जाऊं। ओके सो वो ऑफिस चला, वो जाते भी हैं ऑफिस में, पर वो नहीं रहते जो वो सोचते हैं, उनकी अथॉरिटी चली गई होती है, बस उनमें बदल चेंज क्या होता है, ही हैज नो अथॉरिटी नाउ, दैट्स वॉट द चेंज इज। और वो जो समझ नहीं पाते कि आई हैव लॉस्ट माय अथॉरिटी, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, द मोमेंट ही डाइजेस्ट इट ही विल लीव द ऑफिस फ्रॉम हिज माइंड। सो ऐसे होता है। और दूसरी ओर एक यू नो यंग यंग चैप है, वो रिजाइन कर देता है, और रिजाइन करने के बाद उसको वो ऑफिस का थॉट आता ही नहीं, वो दूसरे ऑफिस की ओर निकल पड़ता है और वो उस ऑफिस का हो जाता है। दोनों ने ऑफिस छोड़ दिया है, बराबर है, पर एक को अटैचमेंट थी, दूसरे को अटैचमेंट हुई ही नहीं थी, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम ही है, दोनों ने ऑफिस छोड़ दिया। द अल्टीमेट रिजल्ट इज लाइक दिस, द रिटायर्ड पर्सन इज लाइक द हाउसहोल्ड पर्सन, आप सभी लोग जैसे रहते हैं वहीं पर रहते हैं, वहीं पर काम करते हैं, वो अटैच्ड है हर एक वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स को, जो मेरा कहते हैं, है ना, मैं और मेरा, ये दो चीजें होती हैं, एक मैं रहता है और एक मेरा रहता है। तो मैं को छोड़ना इज स्पिरिचुअलिटी, मैं जो हूं उसे समझना, क्योंकि मैं नहीं कहता, मैं इस बॉडी को मैं कह रहा हूं, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द रूट कॉज, और मेरा जो है वो रिलेटेड टू दिस बॉडी है। तो जब मैं मेरे को छोड़ देता हूं, ऑल द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, ऑल द अटैचमेंट एंड ऑल द पीपल, आई जस्ट रेनोंसिएट देम, तो मुझ में बदल हो जाता है एज अ पाथ ऑफ अ योगी। और जब मैं इन्हीं में रह रहा हूं, जैसे कि आप हाउस होल्डर्स हैं, तो मैं हाउस होल्ड में ही रहता हूं, पर मैं अटैच नहीं होता मन से। So that is what's practicing spirituality in the household. लेकिन आप कहेंगे ये तो बोलना बहुत आसान है, आपको बोलने में जाता क्या है, आप तो वहां बैठे हैं। सो अब समझ लीजिए मेरी अटैचमेंट किन चीजों से है, तो वो चीजों से मेरी अटैचमेंट की वैल्यू रहती है, हर एक चीज को मैं समान इक्वली अटैच नहीं रहता। यू नो मैं अब एक मोबाइल ले लेता हूं नया, और एक पुराना वाला मोबाइल रहता है, तो पुराना वाला मोबाइल मुझे नॉस्टैल्जिक कर देगा, बट आई एम नॉट दैट मच अटैच्ड टू माय ओल्ड फोन एज आई एम अटैच राइट नाउ विद माय लेटेस्ट न्यू फोन। सो अटैचमेंट की डिग्री रहती है, सेम थिंग, अटैचमेंट की डिग्री मेरे माँ बाप है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, ये डिग्री बदल बदल जाती है। और जैसे जैसे मेरा एज बदलता है, जैसे जैसे मेरे सराउंडिंग्स बदल जाते हैं, वैसे वैसे मेरी डिग्री भी बदल जाती है उनके साथ की अटैचमेंट की। और हमारे शास्त्रों में यही समझ कर परफेक्ट पाथ सेट कर दिया है। तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जहां आप पढ़ते हैं, जस्ट लाइक अप टू 25 आई नीड टू लर्न एंड गेट द नॉलेज एंड गेट द डिग्री,
एंड आई नीड टू गेट अ गुड कैंप. No problem. Meanwhile, we can send our questions so that we can get a detailed knowledge about meditation and Advaitvad. Hi, Yogesh. Hi, Lalita. Hi, Seema. Yes. हम थोड़ी देर वेट कर सकते हैं योगेश जी का. हेलो. यस योगेश जी, मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ? जस्ट अ सेकंड, मुझे यहाँ से एक सेटिंग करनी होगी. मैं स्टार्ट कर दूं? यस यस. ओके सॉरी, कनेक्टिविटी का थोड़ा यहाँ इशू है. तो जो हमारे शास्त्रों, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम बला है, वहां पर हम डिग्री कमाते हैं, जैसे कि बाद में है गृहस्थ आश्रम, हाउस होल्डर्स, और उसके बाद जो आता है वो वानप्रस्थ है. तो वानप्रस्थ इज द मिडिल ऑफ संन्यास एंड गृहस्थ आश्रम. आप अपने, यानी कि आपके जो वाइफ है उसके साथ आप वानप्रस्थ में जाते हैं, पर अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं. बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट वर्ल्डली थिंग्स आर नॉट गोइंग टू अकंपनी मी एनीवेयर. दीज वर्ल्डली थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड इटसेल्फ. और ये जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुझे किसी भी प्रकार का समाधान, जो कहते हैं सेटिस्फैक्शन, परपेचुअल सेटिस्फैक्शन देने में असमर्थ है, नहीं दे सकते वो. दिस इज वॉट अवर इंडियन फिलोसॉफी. और उसकी ओर जाने के लिए ही हम वानप्रस्थ समझते हैं. दैट इज द रिटायर्ड लाइफ. 50 के बाद हमें ये सब छोड़ना है. ये पूरी तरह दिमाग में बिठा लिया था अपने पूर्वजों ने. बिकॉज आई वॉन्ट टू अचीव द संन्यास. अब संन्यास्त यानी कि हर वक्त हर एक आदमी को संन्यास लेना जरूरी तो है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं बताया गया कि आप संन्यास लें. ऑन द कॉन्ट्ररी, आप जहां पर हैं वहीं पर जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जहां पर जिस तरह रह रहे हैं उसी में भी स्पिरिचुअलिटी का हाईएस्ट पॉइंट भी अचीव कर सकते हैं. दिस इज वॉट अवर स्क्रिप्चर स्पेशलिटी इज. और खासकर समर्थ रामदास स्वामी, जिनका मैं फॉलोअर हूँ, उन्होंने तो ये बता दिया है, गया है, उन्होंने तो ये बताया है कि अगर आप वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स यानी कि जिसे प्रपंच कहते हैं वो करने में अगर असमर्थ होंगे तो मान पक्का मान लीजिए आप स्पिरिचुअलिटी में कदम ही नहीं रख सकते. सो क्योंकि वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स अचीव करना थोड़ा आसान है, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ भी पता नहीं होता, बस फेथ इज द ओनली फॉलोअर एंड कंपेनियन विथ यू. सो जो आप अपने आंख खुले रखकर जो काम नहीं कर सकते वो आप आंख बंद कर तो कर ही नहीं सकते. इट्स लाइक स्पिरिचुअलिटी. सो तो सवाल ये था कि हम अपने घर में रहकर स्पिरिचुअलिटी अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. हमारे यहाँ बहुत सारे संत थे, हमारे सारे ऋषि मुनि देख सकते हैं आप, उनकी शादियां हो चुकी थी, उनके बच्चे थे. सो इट्स नॉट द मैटर दैट यू आर मैरिड और अनमैरिड, यू आर सन्यासी और यू आर हाउस होल्डर. इट्स डजंट मेक एनी मैटर. व्हाट मैटर्स इज यूर अटैचमेंट विद द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप अगर घर में रहते हैं एंड डिटैच रहते हैं तो यू आर ए सन्यासी लिविंग एज अ हाउस होल्डर. और आप अगर संन्यास ले चुके हैं और अटैच है तो यू आर ए हाउस होल्डर इन द फॉर्म ऑफ ए सन्यासी. वेरी ब्यूटीफुली सेड, वेरी ब्यूटीफुल. और आपने बहुत सही बताया योगेश जी कि अटैचमेंट मतलब अगर मेरी आइडेंटिटी से अटैचमेंट है या बॉडी से अटैचमेंट है
उसका कोई फायदा नहीं है. तो आई थिंक अटैचमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है. तो टू बिल्ड अप दिस क्वेश्चन, ये अटैचमेंट है उसको हम कैसे डील करें? कम कर सकते हैं, बिल्कुल सही. हाँ, कम कर सकते हैं. यस. पूरी तरह डिटैच आप तभी हो सकेंगे जब आपको, चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अब थोड़ा सा अच्छा नहीं एग्जांपल, पर समझने में परफेक्ट है. समझ लो आप, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, सामने एक होटल मुझे मिल गया और मैं होटल के पास जाता हूँ और जैसे ही मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं कुछ उससे खरीद लेना चाहता हूँ. मैं खरीद लेता हूँ जो मुझे खाना है, एनीथिंग, एनी समथिंग. मैं खरीद के ला रहा हूं, तब दौड़ते दौड़ते मैं अब खाने ही वाला हूं, मुझे वो मस्ट है, मुझे वो चाहिए क्योंकि मुझे भूख लगी है और वो मेरा फेवरेट है. सो आई एम अटैच्ड, आई एम इन नीड ऑफ इट. मैं दो, अब समझ रहे हैं ना, नीड भी है और अटैचमेंट भी है, बिकॉज इट इज फेवरेट एंड आई एम हंग्री. मैं जब उसे खाने ही वाला हूं तब दौड़ते दौड़ते मेरा दोस्त आता है, अरे यार उसमें से एक वर्कर को COVID-19 हुआ है, क्या करोगे आप उस खाने का? विल यू ईट इट? अगर मुझे कोई समझा भी दे कि वो वर्कर चला गया, उनमें से कोई वर्कर अच्छा नहीं, सब कुछ अच्छे हैं, हमारे पास उनका सर्टिफिकेट है, चाहे लाख समझा दो, वो प्लेट मैं वैसे ही रैप कर दूंगा और कहीं पे डाल दूंगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क माई लाइफ. आई वॉज अटैच टू इट एंड ऑल ऑफ ए सडन आई बिकेम डिटैच. वॉट इज द रीजन? सो आई नोटिस्ड वन प्रोमिनेंट थिंग इन इट, डेथ, मृत्यु. उसे थोड़ी फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में कहेंगे तो दोष दृष्टि. उसमें का दोष जो है वो मुझे समझ में आ गया. द मोमेंट आई रियलाइज द फॉल्ट, द मोमेंट आई रियलाइज माई डिस्ट्रक्शन ड्यू टू दैट थिंग, आई रिट्रैक्ट माई सेल्फ, आई बिकम डिटैच्ड. और ये हर एक चीज के बारे में होती है. ये जैसे खाने की चीज है, उसी तरह समझो मुझे, मेरी मर्सिडीज गाड़ी है और मैं, मुझे गाड़ी से बहुत लगाव है, तो मैं जैसे ही गाड़ी में बैठ जाता हूँ तो, और मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी और मुझे कोई आके बताएगा, अरे यार उसका ब्रेक फेल हो चुका है, व्हाट विल आई डू? द मोमेंट आई विल अंडरस्टैंड ब्रेक इज गॉन, आई विल कम आउट ऑफ दैट कार. मैं निकल आऊंगा उस कार से, मैं नहीं चलाऊंगा, वो मेरी है, फिर भी मैं उसे छोड़ दूंगा. हाँ, मैं कंपनी वालों को बुलवा लूंगा, ब्रेक ठीक करूं, दैट्स द, उसे उपाय कहते हैं, उस पर का मैंने सोल्यूशन फाइंड आउट किया. That's what it is. I become detached the moment I understand the fault or dosha drishti. Usme se meri mrityu, usme se mujhe jab samajh mein aayegi, I will become detached. Ab ye apply kaise kare? How to become detached? Samajh lo, meri maa hai. Maa aisi cheez hoti hai, everybody is attached to it. Nobody can get detached from it. Even our saints have seemed to be attached to their mother, because उसमें से detachment possible नहीं है. चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो समर्थ रामदास स्वामी हो, चाहे वो गोंदोलेकर महाराज हो, चाहे कोई भी हो, उनके अगर आप देख लेंगे उनका चरित्र, तो आपको ये एक चीज कॉमन आएगी, माँ से लगाव हर एक का रहता है. तो फिर अरे ऐसे कहेंगे तो पिता का क्या हो गया, वेयर इज द डैड? नहीं, डैड से लगाव रहता है, उसी प्रकार का रहता है. दैट इज द, क्या कहते हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल है. माँ बाप है, उनसे डिटैच होना बहुत डिफिकल्ट है. मेरी वाइफ है समझो, मेरे हस्बैंड है समझो, तो उनसे मैं डिटैच कैसे हो सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल सही चीज है. उनसे डिटैच आप उसी वक्त हो सकेंगे जब यू बिकम अटैच टू समथिंग ग्रेट. उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ. एक बच्चा रहता है, ओके, सो पूरा का पूरा माँ बाप का प्यार उस बच्चे की ओर रहता है. अब उस बच्चे को अगर दूसरा भाई हो जाए तो व्हाट बिकम्स टू देयर प्यार ऑफ द माँ बाप? वो डिवाइड हो जाता है. सही बात है, वो दोनों पे प्यार वैसे ही करते हैं, उनमें कोई कमी नहीं है प्यार की,
बट दे आर अनेबल टू प्रोवाइड देयर अटेंशन इन अ लिमिटेड सोर्स। सही बात है ना, प्यार तो कम नहीं होता, बस वो अटेंशन नहीं दे पाते बड़े लड़के को। सो बड़ा लड़का क्या सोचता है कि अब प्यार कम हो गया है मेरा, वॉट ही थिंक्स, दिस इज वॉट हैपन्स एक्चुअली, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। सो चेंज क्या हो गया, आपका अटेंशन जो था वो डिवाइड हो गया, आप कहीं और भी थोड़ा अटैच हो गए। दिस इज द स्टार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आप थोड़ा थोड़ा भगवान की ओर, अपने आप की ओर, मैं जब अपना ध्यान देता हूं तो आई विल अंडरस्टैंड आई एम नॉट गिविंग टाइम टू माई ओन सेल्फ, मैं अपनी आप की ओर भी ध्यान नहीं दे रहा हूं। आई एम, और स्पेशली जब से मैंने फेसबुक देखा है, ट्विटर देखा है, इंस्टाग्राम देखा है, आई एम मेकिंग माई सेल्फ कंसर्न विथ अदर पीपल। यू नो, फेसबुक पे मैं कुछ पोस्ट कर दूं तो मुझे लाइक्स कितने आ गए हैं मुझे, सो ऑल दिस थिंग्स, व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स, लोग कितना मुझे समझ रहे हैं, आई एम काउंटिंग माई ओन सेल्फ विद द हेल्प ऑफ द स्केल ऑफ अदर पीपल, दिस इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। सो मुझे अपने आप के लिए वक्त देना है, डिवाइड ऑफ अवर अदर। ख्याल से मेरा डिसलिंक हो गया, ओके, आई एम अगेन बैक। सो मैं अपने आप की ओर थोड़ा ध्यान देने लग जाऊं, 5 मिनट 10 मिनट, तो मैं अपने आप ही सारी चीजों से डिटैच हो जाऊंगा। आई विल बिकम अटैच टू माई ओन सेल्फ, द रियल मी, नॉट दिस बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, बट द रियल आई। इट कैन स्टार्ट slowly with 5 minutes of meditation. तो हमें कितना और मेडिटेशन करना चाहिए? अगर मुझे ये जो भी आप बता रहे हैं, जो भी सारे बेनिफिट्स बता रहे हैं, उसका मुझे मैक्सिमम फायदा लेना है, तो कितने मिनट तक का मेडिटेशन हम कर सकते हैं? मैंने स्टार्ट में ही कह दिया था, यू विल मेडिटेट द होल डे, आप अपना ध्यान उसकी ओर से हटा ही नहीं पाएंगे। Yes. अब समझ लो, कोई यू नो, आपने कभी वो फिश मार्केट देखा होगा, सो वहां के डॉग्स और कैट्स कहीं बाहर नहीं जाते फिश मार्केट से, वो वहीं पर रहते हैं अटैच्ड। क्यों? बिकॉज दे नो दे आर गेनिंग व्हाट दे वांट टू इन दिस ओनली प्लेस, उनका ध्यान उससे हटता ही नहीं है। दैट इज वॉट, ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल आप बाजू को रख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं 5 मिनट का मेडिटेशन करता हूं क्योंकि मुझे वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से मुझे कुछ मिल रहा है, ये मेरी भावना दृढ़ है, आई एम फिक्स्ड ऑन इट दैट आई एम गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम दीज वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। द मोमेंट आई स्टार्ट मेडिटेटिंग आई विल स्लोली स्लोली कम टू दिस पॉइंट that my happiness is not dependent or is independent of these worldly objects. My happiness, my satisfaction is within me. It is not outside me, it is inside me. So, ye altogether change ho jayega. To aap kitna der meditation karenge? You will meditate the whole day for your own satisfaction, for your own happiness. But we can start with 5 minutes, तो वो थोड़ा easy हो जाए, and then we can easy हो जाएगा, yeah, yes, correct, correct. तो योगेश जी, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं दुनिया में काफी लोग को mental health issues हैं, मतलब काफी लोग mental issues से सफर कर रहे हैं, तो आपकी क्या opinion है उसके बारे में कि आज हम देख रहे हैं कि लोग इतना क्यों सफर कर रहे हैं? Want, need and want, need and greed. Hello. So ये जो need और greed का जो difference है, ये हमने जो line है वो हम cross कर देते हैं। मुझे need है, you know, when I was small, तो what is, हमें question था science में, what is यानी कि what are your essential things to survive? So I used to write food,
क्लोदिंग एंड शेल्टर. सो दीज थ्री आर वेयर द बेसिक थिंग्स, दे आर नॉट द बेसिक थिंग्स नाउ. यू हैव टू एड अप नाउ. यू नो नाउ इट इज आई कांट लिव विदाउट मोबाइल. ओके सो आई कांट लिव विदाउट अ गुड हाउस. आई ब्रेक माई रिलेशनशिप बिकॉज आई एम नॉट हैविंग अ गुड हाउस, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सेटिस्फाई माई ग्रीड, माई वॉन्ट्स. So the rise in wants is the basic root cause of all the sufferings people nowadays are facing. हमारी चाहत बहुत बढ़ चुकी है. And चाहत किस चीज से है? Worldly objects. पहले पहले जमाने में, अब 15-20 साल पुराना, जब मैं सज्जन यहाँ पर आया था 95-97, so it's not too back. मोबाइल नाम की चीज थी ही नहीं. So life was quite easy. सच मैं कहता हूँ easy था. आपको अभी मालूम है, आपने अभी स्टेशन से स्टार्ट होने से पहले ही पूछ लिया था आपका मोबाइल साइलेंट है ना. सो द मोबाइल कांट रिमेन साइलेंट, सो आई एम ऑलवेज विथ माय मोबाइल. हाउ कैन आई रिमेन साइलेंट? मैं जिसके साथ हूं उसी की तरह मैं बिहेव करने वाला हूं. सो यू नो तो कॉज कहां पे आ जाता है? मैं शांत नहीं बैठ सकता, मैं स्वस्थ नहीं बैठ सकता, मैं अपने आप में नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैंने मेरी वॉन्ट्स को बहुत बढ़ा दिया गया है. और इसका एग्जाम्पल देते हैं, देखो मॉल में आप चले जाते हैं, आपको अगर कहीं भी मेंटालिटी देखनी हो तो आप एक ही चीज को ढेर सारे क्वांटिटी में परचेस करो और सिर्फ रख दो. समझ लो आपको यो सोप, आप एक लक्स सोप खरीद लो. मैं अगर 200 टिकिया लक्स सोप के एक साथ खरीद कर कहीं एक जगह बस पाइल करके रख देता हूं, यू नो आने जाने वाले जो लोग होंगे ना वो सोच, अरे इतने सारे हैं मैं एक ले लेता हूं, यही तो पड़ी है. सो मुझे नीड है क्या लक्स इस टिकिया की? नो, आई हैव सफिशियंट लक्स इन माय हाउस, आई डोंट वांट दिस. पर ये ऐसा नहीं होता फॉर द 90% पीपल. दे जस्ट टेंड to take what is in plenty, because what my eyes see is in plenty, that causes me a lot of trouble. मैं शांत नहीं हूं क्योंकि मेरी wants बढ़ चुकी है, either वो बढ़ा दी गई है या मैंने बढ़ाई है. It acts both ways. Yes, आपने बहुत अच्छे से बताया कि जैसे need, जैसे attachment की हम पहले बात कर रहे थे, तो I think attachment, need जो greed जैसे आपने कहा, which is creating a problem. But यहाँ पे योगेश जी एक क्वेश्चन है कि जैसे कि कैसे हम एक थिन लाइन डिसाइड करें, जैसे जब हम अटैचमेंट की बात करते हैं तो हम लव की भी बात करते हैं, जब हम ग्रीड की बात करते हैं तब हम नीड की भी बात करते हैं, तो इसके बीच में हमें डिफरेंशिएट कैसे करें? बिकॉज जब हम ये इस दुनिया में रहते हैं तो हमें ये सब चीजें भी यूज करना है, हमें रिलेशन में भी रहना है, तो लाइक वो लाइन कैसे हम ड्रॉ करें, कैसे हमें पता चले दैट वी आर क्रॉसिंग आवर लाइन, तो वो अभी लव से वो अटैचमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा शेयर करें. मेरी नीड जो रहती है वो मेरी लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए मस्ट रहती है. How I define my lifestyle defines my needs. समझो एक बच्चा है जो बहुत अमीर है, तो उसके लिए AC is a need. और उसी के सामने समझो कंस्ट्रक्शन चालू होगा, और उस कंस्ट्रक्शन वर्कर का कोई छोटा उसी उम्र का बच्चा वो रेत सीमेंट वो ब्रिक्स के साथ खेलता है और कड़ी धूप में खेलता है वो, उसके लिए ना AC नीड है ना शैडो नीड है. वो शैडो का भी इंतजार नहीं करता, वो उसी धूप में खेलता रहता है. सो माय लाइफस्टाइल क्या होनी है उस हिसाब से मेरी नीड डिफाइन होती है. अब आप कहेंगे कि लाइफस्टाइल कैसे डिफाइन करें, विच इज द बेस्ट लाइफस्टाइल फॉर मी? सो अगेन दिस इज वेयर अवर स्क्रिप्चर्स कम टू हेल्प, कि हमारी जरूरतें जितनी कम होगी उतनी हमारी लाइफस्टाइल सिंपल होगी. और इन अदर वर्ड्स, जितना मैं डिपेंडेंट रहूंगा मेरे जीने के लिए इस वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स पे, उतनी मेरी लाइफस्टाइल की डिफिकल्टीज और मेरा पेन बढ़ता जाएगा. अब ये कहेंगे ये वर्ड ये थोड़ा वेग लग रहा है. नहीं, वेग नहीं है, ये डेफिनेशन है, लेकिन हार्ड डेफिनेशन है.
मेरी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मैंने समझ लो एसी है। अगर वो जो अमीर लड़का है उसने ये ठान ली अपने मन में कि आई एम नॉट गोइंग टू बिकम डिपेंडेंट ऑन एसी, इंस्टेड आई विल फिक्स एन एसी इन माय ओन बॉडी, मैं काम स्वस्थ बैठ जाता हूं तो मेरे पसीने भी कम हो जाते हैं। जो मेडिटेशन करता है ना, उसका लिटमस टेस्ट एक बात आप ध्यान में रख दीजिए, जो सच में मेडिटेट करता है, जो सच में स्पिरिचुअल है, उसे ठंड भी कम लगती है और उसे फैन भी कम लगता है। ठंड में उसे ठंड कम लगेगी और जब गर्मी होगी तभी वो विदाउट फैन भी कुछ हद तक आराम से जी लेगा, क्योंकि उसका माइंड काम है। सो अब मेरी लाइफस्टाइल की जरूरतें मुझे धीमी धीमी कम करनी है, क्योंकि जितनी जरूरतें हैं, सीधी सी बात है, आप ऑफिस चला रहे होंगे तो आपको पता होगा, जितना मेरा ऑफिस बड़ा उतना मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ा, अब जितना मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ा उतना की जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना मुझे दौड़ने की जरूरत है। सो दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड, दिस इज अ विशियस सर्कल एक्चुअली। कुछ हद तक पहले एसी की जरूरत ही नहीं थी। आपने कुछ पुराने फिल्मों में देखा होगा कि कोई आदमी खाना खाता रहता है और वो पंखे से वारा ले रहा रहता है, सो वो तो बहुत टीडियस है, कौन हिलाएगा इतना देर, तो फैन आ गया। अब ये फैन है तो फिर वो तो गर्म हवा फेंक रहा है, सो एसी आ गया। सो एसी है वो मेरे घर में, क्यों सेंट्रल एसी भी डाल देते हैं। दिस इज व्हाट गोइंग अहेड एंड अहेड। तो इसे कम करने के लिए इफ आई टेंड टू मेडिटेट, मुझे समझ में आ जाता है कि मेरी ये ग्रीड है ना कि नीड है। मैं सादा एसी बिठा दूं, बड़ा एसी नहीं चाहिए, ग्रीड कम कर दी, मुझे एसी की जरूरत नहीं है, मुझे फैन से काम चल जाएगा, मैंने अपनी ग्रीड को, नीड को ग्रीड में फेंक दिया, सो वो भी कम हो गई। और इसी तरह आप कम 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 करते आ सकते हैं, जितने आपकी जरूरतें कम उतने आप सुखी रह सकते हैं। अब एक छोटी से मैं ये दे देता हूं, मैं जो अभी ये क्लोथ्स पहन रहा हूँ, यू नो व्हेन आई वाज इन द स्कूल और इन कॉलेज में भी, तो मुझे सोचना पड़ता था कौन सा कलर का पहन लूं। नाउ दैट इज गॉन, आई एम टू हैप्पी विद दिस, मुझे कलर का सोचने की वजह ही नहीं बढ़ रही। ओके अगेन, मैं किस प्रकार की, मैं जीन्स पहन लूं या सिंपल सादी पैंट पहन लूं, अगेन इट्स गॉन, आई हैव ओनली वन ड्रेस एंड दैट्स व्हाट इज फिटिंग मी, सिंपल हो गया लाइफ मेरा। तो आप कहेंगे अरे ये पहन के तो हम जॉब को तो नहीं जा सकते। नो इट्स ट्रू, इसीलिए तो मैं संन्यास्त हूं और आपको वो सब करना पड़ रहा है। पर मैं ये कर सकता हूं कि मुझे, अगर मुझे आदत है 10 जीन्स खरीदने की, तो मैं वो 5 जीन्स पे ला सकता हूं। दिस इज व्हाट यू कैन, दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस इट, मुझे 5 जीन्स काफी है। इसी तरह हर एक चीज आप करेंगे तो डेफिनेटली ग्रीड अलग हो जाएगा और आप नीड पे सेटल हो जाएंगे। आपने बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया कि जैसे हम मेडिटेशन करेंगे या तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन ज्यादा करेंगे, हमें खुद भी पता चलते रहेगा कि कहाँ वो लाइन जो है, वो जो थिन लाइन है, वो कहाँ क्रॉस हो रही है। यस थैंक यू। यहाँ पे एक क्वेश्चन है रमेश जी का कि एंजाइटी डिप्रेशन साथ ही मेडिटेशन कैसे करावे, तो अभी आप इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन है कि कैसे मतलब व्हाट वुड यू सजेस्ट टू पीपल हैविंग मेंटल हेल्थ इशू, अगर किसी को ऐसे इशू है जैसे एंजाइटी डिप्रेशन, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनके? अगर मेंटल ही इशू है आपको, मेंटल यानी कि आप ये बोले एंजाइटी है, तो अच्छी चीज होगी कि आप साइकियाट्रिक्स के पास जाएं, क्योंकि साइकियाट्रिक्स जो यानी कि साइकोलॉजी जो है, जैसे कि आप लोग हैं, मैं वो डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ साइकियाट्रिक्स में सही बोल रहा हूँ या मुझे वो पता नहीं, लेकिन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स लोग, तो उन्हीं के पास जाएं, क्योंकि वो अच्छी तरह से आपको एक्सप्लोर करेंगे, वो आपका माइंड एक्सप्लोर करेंगे, दे आर ट्रेन्ड फॉर इट। यू नो मैं समझ लेता हूँ पर मैं ट्रेन्ड नहीं हूँ। जस्ट लाइक मैं समझ लो मैंने कैंप कर दिया है एक शूटिंग का, यू नो पिस्तौल शूटिंग वगैरह, वो जो कैंप रहता है, मैंने वो कैंप करना और प्रोफेशनल सोल्जर होना, ये दो चीज अलग होती है। सो कैंप को, कैंप जिसने किया हुआ है उस आदमी को तो हम बॉर्डर पे भेज नहीं सकते, वी रिक्वायर अ सोल्जर। सो ये साइकियाट्रिक्स जो है वो जस्ट लाइक दे आर सोल्जर्स, दे कैन एक्सप्लोर यूर माइंड
परफेक्टली एंड दे कैन फाइंड आउट वेयर द फॉल्ट इज, और वो फॉल्ट वो आपको अच्छी तरह से बता देंगे, तो आप जल्दी से और आसानी से उस एंग्जाइटी डिप्रेशन से निकल आएंगे। निकल आने के बाद अगर आप नहीं जाना चाहते उसी में से, मेडिटेशन इज वेरी गुड फॉर इट। आप अगर मेडिटेट करते हैं, व्हाट इज एंग्जाइटी, एंग्जाइटी आई एम बिकम एंग्शियस, माय माइंड इज बिकम एजिटेट एंड मेडिटेशन इज मेकिंग माय माइंड काम, सो बराबर अपोजिट डायरेक्शन में वो चला जाता है। सो यू विल बिकम एंग्शियस फ्यू टाइम्स बट इट विल गेट रेड्यूस्ड टू नॉर्मल और इवन इट विल बिकम टू योर वो रेड्यूस टू जीरो भी हो जाएगा अगर आप मेडिटेट करते हैं। आई होप राकेश जी आपको अपना आंसर मिल गया है। ओके और यहाँ पे और एक क्वेश्चन है योगेश जी, आई होप हमारे पास टाइम है। यस बिकॉज़ वी ऑलरेडी क्रॉस्ड आवर लिमिट। नो प्रॉब्लम, सो थैंक यू। सो विनोद जी ने क्वेश्चन पूछा है, स्टूडेंट्स बेसिकली टीम को आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या हम एडवाइस कर सकते हैं? मेडिटेशन हर एक कर सकता है, एक्चुअली हर एक मेडिटेट करता भी है। यू नो व्हेन दीज पीपल प्ले पबजी, दे आर मेडिटेटिंग ऑन पबजी। आप अगर उस बच्चे को कहीं बोलो वो सुनता ही नहीं है, व्हाट इज ही डूइंग, he is meditating, he has meditated on that PUBG game itself. वो उसी में खोया रहता है, okay? So खो जाना, और एक ही मैंने कहा, एक ही thought को बरकरार रखना is meditation, is somewhat meditation. तो जिस प्रकार आप games में, जिस प्रकार आप Facebook या फिर social accounts में या फिर जो आजकल की चीजें gadgets में वो खो जाते हैं, ये तो मैं कह नहीं सकता कि वो छोड़ दो, इट इज नॉट पॉसिबल। और अभी आप जिस वर्ल्ड में हैं उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। बट एक चीज क्लियर है, आप दिन में 5 मिनट ऐसे निकाले जो आप इस सारी गैजेट्स को बंद कर सकते हैं, सारे मेंटल इश्यूज को भी आप बंद कर सकते हैं। आपको कितने प्रॉब्लम्स हो, आपको कितना भी टेंशन हो स्टडी का, तभी आप 5 मिनट जैसे ही आप समझो नींद से जाग जाते हैं, आई कांट से आपका नहाने के बाद आपको ठीक रहेगा, कहाँ हो गया पता नहीं, पर आप सोते तो होंगे कहीं ना कहीं, आपका बेड है, आप नींद से जब जाग उठते हैं उसी वक्त 5 मिनट ऐसा निकालिए कि आई विल सिट काम एंड साइलेंट, बस मैं कुछ नहीं सोचूंगा। पर उसमें एक इशू है, क्योंकि नींद से जागने के बाद अब अगर 5 मिनट बैठना चाहेंगे तो वापिस आप नींद में भी जा सकते हैं। सो एट दैट टाइम यू जस्ट थिंक ऑफ समथिंग फ्रॉम योर स्टडीज, आप उसमें भी मेडिटेशन ही रहेगा वो। कुछ ऐसे यू नो आर्ट्स के, कॉमर्स के, इसमें कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, एग्जांपल्स दिए जाते हैं बड़े लोगों के, उन्होंने क्या किया, उन बड़े लोगों का आप थॉट करके उसी पर बैठ जाएं। अगर आप कहीं स्पिरिचुअल हो तो फिर आप साइलेंट बैठ सकते हैं, बस थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, इतना ही करिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, नो नीड टू नो मच अबाउट इट। आप वैसे भी कर देंगे तो भी आप उसके सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो टीनेजर्स तो 5 मिनट उठने के बाद तो आराम से निकाल सकते हैं, दैट विल चेंज देयर होल लाइफ एंड थॉट प्रोसेस। यस, ये बहुत ही आई थिंक ये बहुत ही छोटी सी प्रैक्टिस है, बट बहुत ही पावरफुल है और सिंपल है, जो टीम समझ भी सकते हैं और वो इजीली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रादर देन थियरी में जाना, उनको एक्सप्लेन करना। Yes. यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, श्रीधर ने पूछा है, How does one get free of guilt of past? पूर्व कर्मों का प्रायश्चित इन हिंदी वर्ड यही है ना उसका मतलब, है ना? Yes. So, कि जो गिल्ट की फीलिंग है उससे कैसे बाहर आ सके, हमने कुछ actions ऐसे हो ही, हर एक के हो जाते हैं, कोई ऐसा नहीं, छोटे मोटे तो हम गलत काम करते कर ही देते हैं, कुछ हम जानबूझ के कर देते हैं, कभी कभार
कभी कभार अनजाने में हो जाते हैं, और बाद में जब पता चलता है तब हमें, अरे ये कैसे हो गया भाई, हमसे गलती हो गई। द गिल्ट फील इज हमसे गलती हो गई है। सो दिस गिल्ट फील कैन बी ओवरकम बाय टू वेज। आइदर यू मेक योर माइंड अंडरस्टैंड दैट आई हैवंट डन इट ऑन पर्पज, सो आई मस्ट कम आउट ऑफ इट, आई हैवंट डन इट ऑन पर्पज, दैट देयर वॉज नो मोटिव। और दूसरी चीज, जो कुछ भी रॉन्ग हुआ है उसे आप राइट कर दें, उसके लिए कुछ प्रयास करें। समझो मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझसे कहीं किसी को धक्का लग गया बाइक से जाते समय, तो यू जस्ट स्टॉप एंड हेल्प दैट पर्सन टू गेट मेडिटेशन। और अगर कोई रास्ते में आपको पड़ा दिखाई दे जिसे मेडिकेशन की जरूरत है, तो आप उसे अपना समय देकर उसे मेडिकेशन दे दें। सो दैट इज हाउ मेकिंग रॉन्ग थिंग्स राइट इज द वन वे, एंड मेकिंग योर ओन माइंड अंडरस्टैंड दैट आई हैवन डन इट ऑन पर्पज वन थिंग। इफ आई हैव डन इट ऑन पर्पज, मुझे समझ रहा था ये गलत है फिर भी मैंने कर दिया है, तो उसके लिए जो कुछ भी मैंने कर दिया है वो पास्ट में चला गया है, नाउ आई डोंट वॉन्ट टू डू इट इज द ओनली आंसर टू इट। आप पास्ट टेंस में कभी नहीं जा सकते, यू कांट गो बैक इन द टाइम। वो बस मूवी में ही हो सकता है, लाइफ में नहीं होता। तो सो यू नीड टू मेक यूर सेल्फ अंडरस्टैंड, यू नीड वॉट यू हैव डन रॉन्ग, और सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, यू हेल्प अदर्स टू अवॉइड मेकिंग दिस फॉल्ट। तीन चीजों से आप कर सकते हैं। Yes. आपने बहुत ठीक बताया कि जहाँ पे अगर नीड है तो हम मेडिकेशन भी ले सकते हैं, एंड लाइक हम उस गलती को सुधार के भी उसको चेंज कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, कि जैसे कि बात चल रही है कि हम साइकेट्रिस्ट को बता सकते हैं जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन में, बट कभी कभी हम काउंसलर को या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर को भी विजिट कर सकते हैं जब हमें लगे कि हम अपने इमोशन को संभाल नहीं पा रहे हैं या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो इमोशन हमें ओवर पावर कर रहे हैं। तो वो गिल्ट, कोई भी इमोशन, चाहे वो गिल्ट हो या तो फियर हो, फोबिया हो, तो वी कैन विजिट टू काउंसलर, थेरेपिस्ट ऑल्सो अलॉन्ग विद साइकेट्रिस्ट। राइट, वो बहुत काम कर देंगी, क्योंकि वो आपका जो फियर है स्पेशली वो निकाल सकते हैं काउंसलर, वो अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपको उसमें बाहर आराम से निकाल देंगे। जैसे हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे योगेश जी, तो और एक क्वेश्चन पूछा है मंगेश ने कि हाउ टू ब्लॉक अदर थॉट्स व्हाइल डूइंग मेडिटेशन, बिकॉज ये सबका बेसिक क्वेश्चन होता है कि मेडिटेशन तो कर रहे हैं, चलो 2 मिनट भी कर रहे हैं, बट वो 2 मिनट में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो उस थॉट्स को कैसे मैनेज करें? आप जब स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन को, तो जब आपका प्रिडोमिनेंट थॉट रहता है वो शांत हो जाता है, पर आपको अनेक थॉट्स जो पहले आ चुके थे, जो आने के लिए तरस रहे थे, वो जब मेडिटेशन को बैठ जाते हैं तब बाहर आ जाते हैं। दैट्स व्हाट इज मेडिटेशन एट द स्टार्ट पॉइंट, वो होता ही है। सो इट्स समझो कपड़ा मेरा मैला हुआ है, तो मैं उसे सोप में जब डाल देता हूँ और जब उसे निकालता हूँ और उसे रगड़ने लगता हूँ, वॉट कम्स फर्स्ट इज ऑल द मैलिस, वो जो गंदगी है वो पहले आ जाती है, काला काला पानी समझो निकल आता है, और उसके बाद ही कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। आई स्टार्ट टू मेडिटेट, then I don't have to think about other thoughts. मैं other thoughts की ओर ध्यान दे रहा हूँ, इसीलिए other thoughts आ रहे हैं, ये मुझे समझ रहे हैं। मैं अगर पूरी तरह एक ही thought में engrossed हो जाता हूँ, तो other thoughts आके चले गए, उसे कोई matter नहीं करता। But this is the further stage. At the start, when you start meditation, other thoughts आते ही हैं। हम other thoughts के पीछे भी चले जाते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है मैं ध्यान कर रहा हूँ राम का और कहीं और चला जाता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई गलती नहीं है वो, इट हैपन्स टू एवरीबडी। मैं भी उसी स्टेज से जा रहा हूँ, सो इट्स नॉट नो प्रॉब्लम टू इट। लेकिन आपको जिस तरह जिस वक्त समझ में आता है अरे मैं ये कहाँ आ गया, उसी वक्त आप रिट्रैक्ट करके फिर से राम का ध्यान करना, मैं राम का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप राम का ध्यान करना शुरू कर दें तो फिर आपके सामने राम की मूर्ति ही आ जाएगी, वापिस वो चली जाएगी, वापिस आ जाएगी। हमें उस मन को यही बात सिखानी है, वो ही इज अ बैंडिट, ही इज गोइंग टू
एक्चुअली किल अस इफ यू ट्राई टू सप्रेस अवर माइंड, बिकॉज माइंड इज पावरफुल चाइल्ड विच नेवर ओबेज द ऑर्डर्स. इट टेक्स ऑर्डर्स फ्रॉम नो बडी एंड वी आर गोइंग टू टेम दैट लायन. सो हम लायन को टेम करने जा रहे हैं. इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, नो डाउट, बट वी हैव टू डू द टास्क. स्लोली स्लोली वो लायन टेम हो जाएगा, श्योर. परसिस्टेंट और क्या कहते हैं उसे, तुम्हारा करेज, दैट इज गोइंग टू प्ले अ ग्रेट रोल. हो जाएगा वो. आई थिंक हमें मेहनत करनी है, हमें हार नहीं मानना है, और प्रैक्टिस से हम जैसे हम हर चीज पे मूव कर सकते हैं, माइंड को भी कर सकते हैं, माइंड को भी ट्रेन कर सकते हैं. बिल्कुल सही. ओके, लेट मी सी इफ आवर ऑडियंस हैव एनी क्वेश्चंस. यस, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन. ओके, so finally we come at the end of the today's episode. Thank you so much Yogesh ji for your valuable time and your inputs. Thank you for your wisdom, and I'm sure your insight will help us to get more clarity in our life and have a wonderful time with you. Thank you so much, and thank you so much thank you our audience. Yeah. Yes, sir, we're saying something. I would like to thank everybody and especially iCharz for inviting me and all the audience and all those questions, because every time there is a question or every time when I talk, I get an greater insight regarding my own spirituality. So I thank you all and all the audience and iCharz even. Thanks. Yes. Thank you so much audience for being a great audience, and I will see you next Sunday. And the next Sunday our topic is the philosophy of Sri Chidananda Shivashram. So stay tuned. Thank you.